उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थककर रोया नहीं करते, रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, वो लोग जिंदगी में कुछ खोया नहीं करते। राम राम सभी को, जय हिंद कमांडोस। और सब कैसे हैं कमांडोस? इस वैश्विक महामारी के दौरान मैं आपके हृदय की पीड़ा को समझ सकता हूँ और उन सब कमांडोज की उत्सुकता को भी समझ सकता हूँ जो इतने दिनों से जबरदस्त जी जान तोड़ मेहनत से लगे हुए हैं, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे वो नेवी का एग्जाम हो, एक उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं उस सुनहरी जिंदगी को पाने की। कल नई दिल्ली से प्रसारित एक सूचना अनुसार आईएफ स्टार परीक्षा 2020 की भर्ती परीक्षा, इसका एंट्रेंस 19 मार्च से 23 मार्च प्रस्तावित था। लॉकडाउन को देखते हुए, कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसकी प्रस्तावित तिथि अप्रैल में घोषित की गई, अप्रैल लास्ट में घोषित की गई, परंतु लॉकडाउन 2 को भी देखते हुए यह परीक्षा हेडक्वार्टर के निर्देशानुसार आगे तक स्थगित कर दी गई है और बताए उसके बाद आगामी परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, उसी के बाद नई परीक्षा का ऐलान किया जाएगा। कमांडो जी एक बार बता दें, यह परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है, एक लॉकडाउन 1 के दौरान और अब ये लॉकडाउन 2 के दौरान। तो कमांडोज, जो भी आपने ज़बरदस्त मेहनत की है इतने दिनों से, जो आपने जुनून अपने अंदर दबाए रखा है उसको दबाए रखो, जी जान से अगेन मेहनत करो, टूटो मत, बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर पूछने की आवश्यकता नहीं है। indianairforce.nic.in या एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की साइट पर देखें, नोटिस लगा हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, आगामी 3 मई को एग्जाम की अगली तिथि घोषित की जाएगी। तब तक अपने एग्जाम की तैयारी जैसे अब तक की है करते रहिए, अपने धैर्य को खो मत। कमांडोज, मैं समझ सकता हूँ इस वैश्विक महामारी के दौर में और इस अकल्पनीय स्थिति में आपकी वैचारिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति दम तोड़ रही होगी। सोचते होंगे, अरे यार बहुत दिन हो गए तैयारी करते करते, अब नहीं होती मुझसे तैयारी। कमांडोज, अब जब इतने दिनों तक आपने कष्ट झेला है, अब इतने दिनों तक जब आपने कष्ट झेला है, थोड़ा सा और झेल लो, थोड़ा सा और झेल लो, क्योंकि सुनहरी जिंदगी आपका वेट कर रही है। गोल्डन लाइफ वेटिंग फॉर योर अराइवल। कमांडोज, मैं तो बस एक बात जानता हूं कि हर बुरी रात के बाद एक अच्छी सुबह होती है, तो बस थोड़े से कष्ट वाले दिन हैं जो आप ही पर नहीं, पूरे वैश्विक पटल पर सभी लोग इस चीज को झेल रहे हैं, इस कष्ट, इस महामारी के दंश से पीड़ित हैं। तो बस कमांडो, इस समय धैर्य और आपके सहारे की आपके परिवार को आवश्यकता है। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना है, अपने परिवार के साथ बने रहना है, अपने लोगों के साथ बने रहना है। जब साक्षात भगवान राम और उनकी सेना ने इतने योजन समुद्र पर उस धैर्य से ही पुल बना दिया था और रावण की लंका पर चढ़ाई कर दी, तो आप क्यों नहीं? आप सब कुछ कर सकते हो, धैर्य खोने की जरूरत क्या है? आप बिना रुके बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आप खुद बने ही सेना के लिए हो, आप सेना के लिए ही बने हो कमांडोस, आप किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बने हो, आप बने हो केवल और केवल वन एंड ओनली डिफेंस के लिए बने हो। तो कमांडोज, बस सोच लो, ठान लो, कुछ भी हो, कितना भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, कितनी भी ऐसी कोरोना जैसी महामारी आ जाए, अपनी हिम्मत और जुनून को नहीं छोड़ेंगे, नहीं खोएंगे, अपने हिम्मत और जुनून को नहीं खोएंगे, जॉब तो लेकर रहेंगे, जॉब तो लेकर ही रहेंगे।
ऐसी महामारी एग्जाम पोस्टपोन हमारे हिम्मत और जुनून को तोड़ नहीं सकते, ना ही हमारी हिम्मत को तोड़ सकते हैं। तो कमांडोज, मुश्किल है वक्त, जैसा कि मैं आपको क्लास में भी कहा करता था, मुश्किल है वक्त, होना पड़ेगा सख्त। तो कमांडोज, सभी लोग अपना विशेष ध्यान रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार की देखभाल करें और घर में ही रहें, मास्क साफी दुपट्टे का प्रयोग करें। और आपको बता दूं कमांडोज, किसी को भी हतोत्साहित नाश होने की आवश्यकता नहीं है। आरकेटी कैरियर क्लासेस आपका हर तरीके से साथ देने को तैयार है, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है। आरकेटी सर और समस्त स्टाफ आपके साथ है। तो कमांडोज, अपने आप को अकेला ना समझें, जी जान से मेहनत करें, सेना आपकी है और आपकी ही रहेगी और आपको ही मिलेगी। और कमांडोज कभी सोचा नहीं करते, कभी टेंशन नहीं लिया करते, टेंशन देते हैं और टेंशन दूसरों को देनी है, हजार पर एक बार ये कमांडोज सोच लो, पीछे जाना है या फिर जॉब लेनी है। क्योंकि मैं तो बस एक ही चीज़ जानता हूँ, हम बने हैं तो बस सेना के लिए और किसी के लिए नहीं। तो किस्मत परीक्षा स्थगित हो चुकी है, तो कन्फ्यूजन करने की आवश्यकता नहीं है, ना बार बार किसी को पूछने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके मेल पर मैसेज भी आ जाए या आपके फ़ोन पर मैसेज आ जाए, वो अब अगली तिथि, प्रस्तावित अगली तिथि 3 मई के बाद ही घोषित की जाएगी। तो बस अपनी मेहनत को बरकरार रखें, जी जान से मेहनत करें और अंत में ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखें, किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है कमांडोज, किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है। ये मुझे दिक्कत देती है और मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, बिकॉज आई एम कमांडोज। राम राम।